नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ बाबा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करके वापस आया हूँ। उसी से जुड़ी ही दोस्तों ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेके आऊँगा जो सुनने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रास्ते, सुविधा और असुविधा के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे खान पान के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसम तथा टोटल कितना खर्चा लग सकता है केदारनाथ धाम की यात्रा में। दोस्तों, कुछ ऐसे तथ्य पे भी बात करेंगे जो थोड़े निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई है और बतानी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मुद्दा नंबर वन से। दोस्तों, मुद्दा नंबर वन है वहाँ के रास्तों के बारे में, रास्ते की क्या कंडीशन है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं या फिर आप बस या किसी और तरीके से सड़क के थ्रू आप जा रहे हैं, तो दोस्तों सोन प्रयाग से पहले ही बैरिगेटिंग लगी हुई है। बहुत सारा क्राउड फिलहाल गया हुआ है यहाँ पे, लोगों को रोका जा रहा है आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए। उसके बाद कुछ गाड़ी निकाली जा रही है जिसमें काफ़ी समय आपका लगने वाला है। दोस्तों, सोन प्रयाग में पार्किंग करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि फिलहाल इतना क्राउड वहाँ पर गया हुआ है कि आपको सोन प्रयाग से गौरी कुंड तक जाने में भी कई घंटे लग सकते हैं। बल्कि सोन प्रयाग से जो शेयरिंग टैक्सी मिलती है गौरी कुंड के लिए, उसको मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको काफ़ी समय लगेगा। लगभग 2-3 घंटे की भीड़ का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे ही आप गौरी कुंड जाएंगे और अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे, आपके पास वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं। तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं या फिर आप मतलब जो घोड़े खच्चर होते हैं या फिर पिट्ठू होते हैं उनकी सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि पैदल यात्रा तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर की है, लेकिन मेरे हिसाब से वो करीब करीब 20 से 22 किलोमीटर तक होती है। और सबसे दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप पैदल उस रास्ते पे जा रहे हैं तो वहाँ पे इतनी गंदगी आपको मिलने वाली है, क्योंकि इतने घोड़े खच्चर इतनी भारी ज़्यादा मात्रा में है। और दोस्तों, इतनी मतलब मैं आपको बताऊँ लिटरली कि इतना 2-2 इंच तक मलबा जमा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, मौसम वहाँ पे ख़राब रहता है, बारिश वगैरह, तो वो सारा आपको देखना पड़ेगा कि आप जब तक ऊपर जाएंगे तब तक आप पूरे गंदे हो चुके होंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप गंदे ना हो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो। उसके बाद में क्या आता है, घोड़े खच्चर। दोस्तों, ये चीज़ ऐसी स्थिति फिलहाल हो चुकी है कि 18-18, 20-20 साल के लड़के घोड़े खच्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर आप फिट है तो आप पैदल यात्रा कीजिए और ये घोड़े वगैरह को अवॉइड कीजिए। इससे क्या समस्या आ रही है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में डिमांड बढ़ रही है घोड़ों की, उतनी ही ज़्यादा असुविधा होती जा रही है। कभी घोड़े पैर पे पैर रख देते हैं, कभी घोड़े मतलब क्या होता है कि इतने ज़्यादा सेफ भी नहीं है। हर रोज़ वहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट ऐसा होता है कि या तो घोड़ा मर जाता है या फिर गिर जाते हैं लोग बाग, चोटिल हो जाते हैं। दोस्तों, तो अगर आप युवा है तो आप कृपया पैदल अपना जो है यात्रा पूरी करिए, उसी का लाभ मिलता है बताया गया है। क्योंकि अगर हम घोड़े खच्चर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे वो असुविधा हमारी ही लिए हो रही है। उसके बाद में दोस्तों क्या आता है कि ऊपर पहुँचने के बाद में आपको काफ़ी घंटे लग सकते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ है वहाँ पे। आपको मैं बताऊं कि अगर मैं गया था अभी 31 मई को मैंने दर्शन किए हैं दोपहर में 3 बजे, और तकरीबन 7 से लेके 8 घंटे तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा लाइन में लग के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद दर्शन हुए तो मात्र 1 सेकंड के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए भी दर्शन नहीं होते, इतनी भीड़ हो। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं या मतलब बना रहे हैं प्रोग्राम कि हम जाएं केदारनाथ और वहाँ पर पैदल यात्रा ही करनी है, तो दोस्तों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहली चीज़, आपके पास वाटरप्रूफ जूते होने चाहिए, क्योंकि बारिश हर आधा घंटे बाद होती रहती है, ओला होते रहते हैं, बर्फ भी आती रहती है। तो अगर जूते वाटरप्रूफ नहीं है तो आप ठंड से मर जाने वाले वाली स्थिति आ जाती है। दूसरे, ग्लव्स आपके पास होने चाहिए वाटरप्रूफ, क्योंकि एक बार ग्लव्स गीले हो गए तो ठंड डबल हो जाती है। उसके बाद में आपके पास कम से कम सामान होना चाहिए, हल्का सा हल्का बैग, क्योंकि वो चढ़ाई काफ़ी मतलब दिक्कत करने वाली होती है। फिट से फिट बंदे भी उस चढ़ाई से मतलब थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो इसलिए कम से कम जरूरी सामान लेके चले। बाकी रास्ते में दिक्कत आएगी कैंप वगैरह की, क्योंकि कैंप भी इतने सेफ नहीं होते, तो इसलिए वो सारी चीज़ कैलकुलेट करके समय के हिसाब से कि सुबह चले अर्ली मॉर्निंग और रात होने से पहले पहुँच जाए, ताकि ज़्यादा रास्ते में कैंप के झंझट में ना पड़ना पड़े।
अब बात करते हैं दूसरा मुद्दा नंबर दो, यानी कि खान पान। दोस्तों खान पान के जो मतलब खान पान का मामला ऐसा है वहाँ पे कि आपको 20 रुपया की पानी की बोतल भी 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये इस प्रकार मिलने वाली है। आपको 20 रुपये की जो 10 रुपये की मैगी की प्लेट होती है 100 रुपये, और बाकी खान पान की महंगाई उस पैदल यात्रा के दौरान जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे महंगाई बढ़ती जाएगी। तो कोशिश करें कि अपने साथ थोड़ा बहुत खान पान नीचे से लेके चले, जो रास्ते में ख़राब ना हो, थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था करके चले, क्योंकि अगर आप वो चीज़ पे करने के लिए सक्षम है उस महंगाई के हिसाब से तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अपने बजट के हिसाब से काम करना है तो आपको कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुछ मतलब फ्रूट्स वगैरह हो गए, कुछ सॉलिड भोजन हो गया, तो वो आपको पैक करा के आप उसको लेके चलना तो ही फायदे में रहोगे। बाकी रास्ते में आपको लूटने के लिए ही बैठे हैं, और मतलब 200, 400, 500 हर आधे घंटे बाद आपको खर्च करने पड़ेंगे खाने पीने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं मौसम के बारे में। मौसम का हाल तो बस पूछिए मत, हर आधा घंटे बाद मौसम चेंज होता रहता है। कभी आपको धूप देखने को मिलेगी, कभी आपको बारिश देखने को मिलेगी, कभी आपको ओले देखने को मिलेंगे, और कभी आपको बर्फ भी देखने को मिलेगी इस यात्रा के दौरान। हर आधे घंटे बाद मौसम चेंज होगा और सर्दी भी बेइंतहा होगी। मोस्टली ऐसा होता है कि टेम्परेचर वहाँ पे ऊपर माइनस में ही रहता है, क्योंकि बारिश वगैरह से ठंड बनी रहती है, और शायद स्नोफॉल भी डेली सुबह शाम की सीटिंग हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करने वाला है, और मतलब आप उस टाइम बिल्कुल थके हुए होंगे यात्रा करने के बाद, उस टाइम मौसम आपको परेशान करे तो आप अंदर से टूट जाएंगे। तो उसकी जो मतलब उस कंडीशन के लिए पहले से ही खुद को रेडी करके आपको माइंड में सोच के चलना होगा कि आपके पास कपड़े, हैवी जैकेट, ऊपर से रेनकोट और मतलब वाटरप्रूफ ग्लव्स वगैरह सब कुछ आपके पास प्रबंध होना चाहिए, तभी आप इस यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। जरा सी भी अगर आप असुविधा में घुस गए तो ये यात्रा आपको एंजॉय नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है, हमारा शरीर अगर थक गया तो हम एंजॉय कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ ध्यान जरूर रखिए। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं हम खर्चे के बारे में। अब खर्चे के इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। इतना महंगा कोई खर्चा नहीं होता। अगर आप रेल बस वगैरह से जा रहे हैं तो मुश्किल से आप दिल्ली से 3 से लेके 4 हज़ार, 4 से मैक्सिमम 5 हज़ार तक दर्शन करके वापस आ जाएंगे बाई ट्रेन। ऋषिकेश आप ट्रेन से जाओगे, वहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी, फिर आगे मतलब असुविधा होगी, लेकिन आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आप प्लानिंग के तहत चलोगे। रही बात ऑप्शन नंबर दो, उसमें क्या होता है, आपका समय बचेगा, आपका जो है मतलब ये जो सारा जो कुछ ये स्ट्रगल है और ये असुविधा है वो बचेगी। ऑप्शन नंबर टू है हेलीकॉप्टर सुविधा। अब हेलीकॉप्टर सुविधा वहाँ पे दो तरीके की है। नंबर एक जो अपना सबसे पहले गुप्त काशी पड़ता है, सबसे पहले हेलीकॉप्टर सुविधा वहीं पर आती है, वो केदारनाथ से लगभग 45 किलोमीटर पहले है गुप्त काशी। वहाँ से अगर आपने बुकिंग करते हैं अभी मतलब जाने से 2-4 दिन पहले, तो शायद 7,000 से लेके 8,000 के बीच में आपको आना जाना दोनों के टिकट मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है फाटा, थोड़ा आगे जाके अगर आप फाटा से टिकट बुक कर रहे हैं अपना, तो 5,500 रुपये मतलब 5,500 रुपये में आपको आना जाना के दोनों टिकट मिल जाएंगे, और आपको जो बीच में असुविधा होती है वो पैदल मतलब खिचड़, वो जो अपना जो है खच्चर हो गया, वो गंदगी होगी, वो छींटे जो मुँह तक जाती है, तो दोस्तों वो सबसे अगर आपको बचना है तो हेलीकॉप्टर से जाए और सीधा लाइन में लगे, दर्शन करें और वापस आए। लेकिन मान्यता है कि पैदल जाने से ही जो बाबा के दर्शन है वो संपूर्ण माने जाते हैं, और मेरे हिसाब से भी ऐसा है। लेकिन दोस्तों असुविधा इतनी हो रखी है और वो कर भी हमने रखी है, तो उसके बारे में मैंने आप सब कुछ बता दिया। अब हम जो मुख्य बात है वो मुख्य बात हम करते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं केदारनाथ पे गया तो मैंने जाके वहाँ पे एक दिव्य शक्ति महसूस की, ये सच्चाई है, और मतलब एक मिनट के लिए मेरे आँख के आंसू नहीं रुके बिना किसी वजह के। मतलब ऐसा लग रहा था अंदर से कि सब कुछ भूल गया था मैं, अपनी पिछली परेशानी, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा पास्ट क्या है, मेरा प्रेजेंट क्या है, बस एकदम से सहम गया था और रुक गया था वहाँ पे, और वो पल इंजॉय करता था। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मतलब अंदर से खुशी के हिलोरे और आंखों से आंसू, वो चीज़ मैंने फील की है, और वो चीज़ बतानी आपके लिए बहुत मतलब बहुत ज़रूरी थी कि बाबा है और वहाँ पे जो है शक्ति है। लेकिन दोस्तों वो चीज़ आपको देखने के जाना आपको कैसे है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हर